देखो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है और स्टेबल भी है काफी। सो हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ ये 450 ड्रोन। और ये वीडियो काफी लेट आ रहा है क्योंकि मेरा एग्जाम्स था, उसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं कर पाया। तो चलिए ड्रोन की सीरीज को अभी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये 450 ड्रोन बनाने वाला हूँ और उसके लिए सबसे अच्छा, मतलब अच्छा नहीं कह सकते लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल और बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर है ये KK 2.1.5। तो ये काफ़ी हद तक स्टेबल है तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ क्वाडकॉप्टर बनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा फ्रेम। तो फ्रेम के लिए मैं कुछ ये एल्युमिनियम के बार्स यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हल्के, शायद कुछ 3-4 ग्राम का ये बार होगा। उसके डायमेंशन बताता हूँ, तो एक्चुअली मैं ये 26 सेंटीमीटर का मैंने कट किए, 4 पीस 26 सेंटीमीटर के, इसे मैं इसे इस पर माउंट करूँगा। काफ़ी हल्के ही है लेकिन और मजबूत भी है, तो इसे इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेन हमारी बॉडी होगी ड्रोन की, उस बॉडी के लिए मैं ये उड़न या कुछ ऐसे उड़न के पीसेस यूज़ करूँगा जो कि मैंने एक हार्डवेयर की शॉप से परचेस करा कुछ 30 रुपीज़ में। तो इसे मैंने कट कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर इसका जो साइज़ है वो 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग करके स्क्रू के लिए होल लगाए और यहाँ पे भी एक मार्किंग की, इसको अभी ड्रिल करना बाकी है मुझे। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे माउंट हो जाएगा, उसके ऊपर से ये प्लेट जाएंगी। तो जो सेंटर से हमारा जो फर्स्ट होल है उसका जो एक्चुअल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से वो जो सबसे बाजू वाला है उसका 8.3 सेंटीमीटर है। तो चारों साइड में मैंने वैसे होल कर दिए और ये 15x15 का है। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे रेडी टू स्काई का 930 KV का BLDC मोटर, तो काफ़ी स्टेबल हमारे ड्रोन को बनाता है। उसके साथ मैं BL हेलियस का 35 एम्पियर का ESC यूज़ कर रहा हूँ। 4 ESC और 4 मोटर है हमारे पास। उसके बाद 1045 प्रोपेलर, काफ़ी अच्छे प्रोपेलर है ये। तो चलिए अभी शुरू करते हैं ड्रोन को बिल्ड करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं अपना फ्लाई स्काई यूज़ कर रहा हूँ, फ्लाई स्काई का i6X सबसे अच्छा ट्रांसमीटर है। काफ़ी मॉडिफिकेशंस करके रखे मैंने इसके साथ, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो इसको कैसे मॉडिफाई किया मैंने, आपको पूरा डिटेल में वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, तो जल्दी से उसको चेकआउट कीजिए। उसके बाद हमारा रिसीवर है जो कि फ्लाई स्काई का FSIA6B 6 चैनल का ड्यूअल एंटीना वाला रिसीवर है, तो ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद पावर देने के लिए ये 3S का 2200 mAh लिथियम आयरन बैटरी, 2200 mAh 11.1 वोल्ट XT60 कनेक्टर के साथ। तो चलिए अभी बिल्ड को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेम बनाऊंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
150 एग्जैक्टली 150 ग्राम। तो देखो मतलब कि 50% वेट जो मार्केट का फ्रेम है उससे कम हो चुका है, इसकी वजह से इसका फ्लाइट टाइम बढ़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए ये फ्रेम परफेक्ट है। सो फाइनली दोस्तों फ्रेम का जो पूरा वर्क है वो हो चुका है और फ्रेम इसमें जो मैंने होल्स प्रॉपरली कर लिए है, ये मोटर माउंट के होल्स है, इसके डाइमेंशंस के हिसाब से मैंने इसे कट किया ड्रिल मशीन के साथ। तो ये बेसिकली हो गया, अभी है मोटर माउंट करना है हमें। तो मोटर को आप देख सकते हो कि जो पावर का जो लेन होता है उसे मैंने इसकी साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लिया है, आप भी कर लेना। तो चलिए अभी मोटर माउंट करते हैं। माउंट के लिए मैं ये स्क्रू यूज कर रहा हूँ। चलिए अभी मोटर माउंट करते
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन का जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। आर्म लगाने के बाद आर्म सक्सेसफुली मैंने लगा दिए। उसके बाद उसमें से ESC पास करके ये वायर निकाली है प्लस और माइनस वाले, और ये जो सिग्नल के पिन है उसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया अपने हिसाब से, तो आप एक्सटेंड कर लेना। उसके बाद आता है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लेकिन मेरे पास अभी PDB नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा सारी पिन मतलब प्लस वाली प्लस के साथ और माइनस वाली माइनस के साथ और उसके साथ ये XT60 कनेक्टर ऐसा सोल्डर करके यहाँ पे लगा दूंगा। तो चलिए इसे फटाक से कर लेता हूँ, आप फिर आपको दिखाता हूँ उसके बाद। दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका जो कनेक्शन है वो हो चुका है, और ये जो है ये पावर मॉड्यूल है 5 वोल्ट्स 2 एम्प 3 एम्पियर का DJI का पावर मॉड्यूल है। क्योंकि हम यहाँ पे BL Heli ES यूज कर रहे हैं, तो उसमें 5 वोल्ट हमारे जो फ्लाइट कंट्रोल है उसको 5 वोल्ट चाहिए, तो वो आउटपुट नहीं मिलता। वो आउटपुट के लिए हम ये पावर मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कनेक्शन में कर लिए, आपको देख आप देखो देखो ये ब्लैक वाला और ये प्लस वाला। अभी इसके बीच में हमें सेलो टेप या फिर किसी रबर का डैम्पर हो उसका कोड देना है, जो कि प्लस और माइनस कभी कॉमन ना हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारा बैटरी खराब हो जाएगा अगर प्लस माइनस कॉमन हो गया तो उसके लिए अभी मैं सेलो टेप का यूज करने वाला हूँ इसको सेपरेट रखने के लिए। तो चलिए इसे फटाक से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फाइनली दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो देखो मैंने ये छोटा सा पीस कट कर लिया है, तो ये डिफरेंशिएट के लिए मैं यूज करूंगा, इसे यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा जिससे हमारा जो वायर है वो काफी हद तक दूर रहेगा एक दूसरे से, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ, तो ये हमारा सेलोटेप। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक अच्छी तरीके से होल करके उस होल से मैंने ये सारे जो अपने सिग्नल के पिन है ESC के उन्हें आउट कर दिया है, मतलब कि बाहर निकाले। अभी ऊपर का जो पैनल है उसको फिट करने का टाइम आ गया, तो फटाक से पैनल फिट कर लेता हूँ।
फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जो हमारा ड्रोन है वो प्रॉपरली रेडी हो चुका है, मोटर प्रोपेलर सब कुछ लगा के। और फ्लाइट कंट्रोलर मैंने डबल साइड टेप से यहाँ पे माउंट कर दिया। एक्चुअली ये एरो जो है वो इसका फ्रंट साइड दिखाता है, तो फ्रंट साइड इस तरफ है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला मोटर M1 है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। M2 है मोटर 2, ये एंटी क्लॉकवाइज, M3 क्लॉकवाइज और M4 एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे मैंने ये फ्लैश का रिसीवर यूज़ किया है I6B, तो सिग्नल के पिन कुछ ऐसे मैंने ऐड कर दिए। एक पिन ऐसी जिससे कि पावर जाएगी हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में, और फ्लाइट कंट्रोल मतलब जो रिसीवर उसको पावर, बेसिकली ये पावर मॉड्यूल देता है, पावर मॉड्यूल की केबल। और यहाँ पे मैंने मोटर्स के सारे कनेक्शन कर लिए हैं और नीचे की साइड में मैंने बैटरी माउंट कर दी है उसको। तो चलिए अभी ग्राउंड में जाते हैं, फ्लाइट टेस्ट करते हैं इसका कितना स्टेबल है, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पूरा ड्रोन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने एक कुछ ऐड किया है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक रॉड ऐड किया है जो कि हमारे जो मोटर है उसको स्टेबिलिटी देता है, इसलिए मैंने वो रॉड ऐड किए, दो रॉड। तो अभी इसका वेट चेक करते हैं हम कितना है टोटल वेट। बैटरी इंक्लूडेड है इसमें, इसमें ये वाला बैटरी लगा है 2200 mAh। तो अभी इसका वेट चेक करते हैं हम, देखो 6767 सिर्फ 760 ग्राम है, तो काफ़ी हल्का है, तो इसका स्पीड भी ज़बरदस्त होने वाला है। चलो अभी इसको ग्राउंड पे लेके जाते हैं टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने जो ड्रोन है उसको पावर दे दिया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मतलब जो सेफ लेवल है वो ऑन हो चुका है। अभी चलिए इसको फ्लाइट टेस्ट करते हैं इसका भी। मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ, हमारे जो ओपन एरिया है वहाँ पे आ चुका हूँ, तो इसको आर्म करते हैं और इसका स्पीड देखते हैं और टेस्ट स्टेबिलिटी देखते हैं। आर्म हो चुका है, काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा है और मतलब स्टेबल भी बढ़िया बढ़िया सा है, मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, जो बिगिनर लेवल के लिए स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। अभी इसका स्पीड देखते हैं हम, देखो कितना ज़बरदस्त स्पीड है इसका। इसका जो वेट है वो काफ़ी मैंने हल्का रखा है इसलिए इसका स्पीड आप देख सकते हो, फिर से दिखाता हूँ, देखो इसका स्पीड कितना है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसमें। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड देखते हैं, खतरनाक स्टेबिलिटी और स्पीड है इसमें। अभी ये तो रेसिंग ड्रोन हो गया अभी, क्योंकि इसकी जो ताकत है बहुत बहुत ही ज़्यादा है, आपको फिर से दिखाता हूँ मैं ताकत अभी। देखो कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और स्टेबल भी है काफ़ी, और आगे भी बहुत ही तेज़ी से जाता है, तो कितना ज़्यादा स्पीड है इसमें। जो हमारा रेसिंग ड्रोन है उसके मुकाबले ये स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, खतरनाक स्पीड है भाई ये, कुछ मतलब अलग ही मशीन मैंने इसको तैयार किया है अभी, जो काफ़ी हल्का है इसकी वजह से वो बहुत ही स्टेबल फ्लाई कर रहा है। चलिए अभी इसको लैंड करते हैं, आखिरी बार एक स्पीड टेस्ट करते हैं इसका, देखो कितनी ज़बरदस्त स्पीड। तो इसको लैंड करते हैं हम, स्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारा आर्म है। अभी इसको डिसआर्म करते हैं, हो गया डिसआर्म। भाई इसका जो स्पीड है ना उससे मैं दंग रह चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए इस टेस्ट को अब हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगला जो वीडियो होने वाला है वो DJI के साथ होने वाला है। अभी इस फ्रेम पे मैं KK निकाल के DJI का फ्लाइट कंट्रोलर लगाने वाला हूँ, तो उस वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।
क्लोज करते हैं।